वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम के क्लास नंबर 4 को आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 3 क्लास कर लिए है, अगर आपने वो तीनों क्लास नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको UPPSS टॉपिक वाइज मैथ्स मिल जाएगा, आप उसमें जा करके देख लीजिएगा। ठीक, आप उन 3 क्लास को देख कर आइए, फिर ये क्लास आपको ज़्यादा स्पष्ट होगा और चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, आज की क्लास में हम लोग यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट इकाई अंक प्रमेय को डन करेंगे, तो ये धमाकेदार सेशन होने वाला है, आप पूरा अंत तक देखिएगा, साथ में कॉपी पेन के साथ देखिएगा। जो भी आपको नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट हो आप नोट्स को साथ साथ बनाते चलिएगा। आज की क्लास में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट्स को सीखेंगे और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो कि UPSC UPPSS या किसी विशेष प्रतियोगी परीक्षा में आए हुए हैं, और एक ही क्लास में ना यूनिट डिजिट के जितने भी कॉन्सेप्ट है सब कंप्लीट हो जाएगा। ये 20 से 25 मिनट की क्लास रहेगी, इसमें आपका पूरा यूनिट डिजिट खत्म हो जाएगा। इसके लिए इसके बाद ना फिर आपको यूनिट डिजिट के लिए कहीं और परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। देखिए, अगर आप हमारे पैड ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो एक टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे पैड ग्रुप से जुड़ के आप UKPSC BPSC UPPSC UPSS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 
हमें @studyforcivilservices के माध्यम से टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक, ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से जुड़ सकते हैं, है ना। और अब हम लोग ना प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ऐप प्ले स्टोर पर है, आप वहाँ से इंस्टॉल करके हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कुछ अभी ना शुरू में हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। देखिए कॉन्सेप्ट में क्या दिया है, यूनिट डिजिट इकाई अंक प्रमेय जो है, है ना, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट। इसमें इकाई अंक प्रमेय में देखो क्या लिखा है, सभी गणितीय संक्रिया है, मतलब जितने भी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, ठीक है, ये यूनिट डिजिट की बेसिस पर किए जाते हैं, मतलब इकाई अंक के आधार पर किया जाएगा। तो कोई भी गणितीय संक्रिया है, चाहे ये एडिशन हो मतलब जोड़ हो, सब्स्ट्रक्शन हो घटाना हो, मल्टीप्लीकेशन हो गुणा हो, या फिर डिविजन मतलब भाग हो, इन सबको ना आप यूनिट डिजिट की बेसिस पर करेंगे। जैसे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा देता हूँ। देखिए आपके सामने लिखा है 322, है ना, प्लस 536 प्लस 928 माइनस 136, है ना। यहाँ से आपसे पूछ लिया कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको पूरा कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको खाली यूनिट डिजिट देखना। देखिए यहाँ पे 2 और 6 8, ठीक, 8 और 8 16, 16 का मतलब 6 हो जाएगा, 6 में से 6 जाएगा 0, मतलब यूनिट डिजिट इसका कितना आएगा, इसका यूनिट डिजिट 0 आएगा। ठीक, इसके अलावा जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है 252 गुड़े 981 गुड़े 363, और आपसे पूछे बताइए इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो आपको सबको नहीं करना है। देखिए 3 1 3 और 2 6, है ना, तो इसका यूनिट डिजिट 6 आएगा, यहाँ से ये क्लियर हो जाएगा। तो देखिए कभी भी यूनिट डिजिट का कैलकुलेशन करना है तो आप हमेशा ये करेंगे किसके हिसाब से, यूनिट डिजिट के बेसिस पे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको और बताते हैं, कभी भी आपका यूनिट डिजिट अगर 5 है, है ना, और इसमें आपको गुणा करना है मल्टीप्लीकेशन, तो गुणा करने पर एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि अगर आपको गुणा करते समय कभी इवन डिजिट से गुणा हो गया, है ना, इवन डिजिट से गुणा हो गया तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 आएगा, और ऑड डिजिट से मल्टीप्लाई होगा तो हमेशा 5 आएगा। ठीक, लेकिन इसमें प्रायोरिटी इवन को देंगे, अगर पहले इवन आ गया है तो ऑड कितना भी आए आपका 0 ही आएगा यूनिट डिजिट। जैसे समझिए मैंने लिखा 22 गुड़े 15 गुड़े 33, है ना, देखिए यहाँ से आपसे पूछेगा यूनिट डिजिट क्या, देखिए ये 5 है, 5 का मल्टीप्लाई 2 से हो गया ना, तो 5 2 10, आंसर 0 ही आएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए जैसे यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन रहा 33 गुड़े 41 गुड़े 57 या 57 और गुड़े 15, इसमें पूछे यूनिट डिजिट कितना आएगा, देखो 3 1 3 7 21 5 1 5, है ना, आपको डायरेक्ट लिख लेना है कि यूनिट डिजिट 5 आएगा, आपको ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इसके बाद अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट ये कहते हैं इकाई, यदि इकाई अंक 0 1 5 या 6 हो तथा संख्या पर कुछ घात मतलब पावर दिया हो तो इस स्थिति में इकाई अंक कभी परिवर्तित नहीं होता। देखिए मतलब अगर पावर की बात करेंगे, यूनिट डिजिट 0 है 1 है 5 है या 6 है और साथ में कुछ पावर दे रखा है ना, अब पावर कुछ भी रहेगा यूनिट डिजिट कभी चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए
101 है ना, इसके पावर मान के चलिए 432 लिखा है ना। आपसे पूछा कि बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, तो आपको परेशान नहीं होना, इसमें आंसर सीधा सीधा एक आपको टिक करना है, ठीक। अगर 6 रहेगा तो भी यही स्थिति होगी, जैसे मान लीजिए 56 है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स कर रही, देखो छोटे छोटे एग्जांपल, 16 का स्क्वायर कर लीजिएगा, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 में 256, देखिए यूनिट डिजिट 6 ही आ रहा है। अब पावर 3 करके देख लीजिएगा, 16 का क्यूब है ना, 16 का क्यूब होता है, 16 का क्यूब होता है कितना, 12 का होता है 1728, 13 2197, 2744, 14 33, 75, 4096, 16 का क्यूब होता है ना। देखिए यूनिट डिजिट आपका 6 आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप देखेंगे ना, कभी भी यूनिट डिजिट इन सब का देखें। जैसे 5 का देखो, पावर 1 है, 5 ही आएगा, 5 का पावर 2 करेंगे 25 हो जाएगा, 5 का पावर 3 करेंगे 125 हो जाएगा, 5 का पावर 4 करेंगे 625 हो जाएगा, 5 करेंगे 3125 हो जाएगा। तो देखिए आप पावर कैसे भी बढ़ाते जाएंगे, आपका यूनिट डिजिट कभी भी नहीं बदलेगा, आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। अगला स्लाइड दिया है 4 का इकाई अंक। 4 का इकाई अंक मतलब क्या है कि जब यूनिट डिजिट 4 होगा तब क्या स्थिति होगी। देखिए अगर यूनिट डिजिट 4 है तो इसमें दो स्थितियां हैं, या तो इसका पावर इवन होगा या तो इसका पावर ऑड होगा। अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 मिलेगा, और पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक। इसी तरीके से 9 की बात करेंगे, 9 में भी दो पॉसिबिलिटी, या तो पावर इवन आएगा, इवन मतलब सम आएगा, या तो पावर ऑड आएगा मतलब भी सम आएगा। अगर इवन आएगा तो यूनिट डिजिट 1 हो जाएगा, और ऑड आएगा तो यूनिट डिजिट 9 ही रहेगा। तो ये पॉसिबिलिटी आप याद रखिएगा, ये संभावना है, ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। 4 का इकाई अंक आपसे पूछेगा, कभी भी पावर इवन है तो आपका 6 आएगा, ऑड है तो 4 आएगा। 9 में भी स्थिति सेम है ना, क्या आएगा, इवन होने पे 1 आएगा और ऑड होने पे 9 आएगा। देखिए अगर हम बात करेंगे ना, हमारे पास 0 से लेकर 9 तक टोटल 10 डिजिट होते हैं ना। 10 डिजिट में आपने 0, 1, 5, 6, 4 और 9, इतने का यूनिट डिजिट निकालना बड़े आसानी से सीख लिया। अब इसके बाद जो बचे उनका क्या, तो उनके लिए ना एक नियम है। अब ये नियम ना सिर्फ उनके लिए नहीं, ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, मतलब हर तरीके के क्वेश्चन पे लगेगा, लेकिन जहाँ से चीज़ें आसान हो सकती है उसको आप आसान कर सकते हैं। यूनिवर्सल मतलब जितने भी क्वेश्चन हैं सब क्वेश्चन पे ये कॉन्सेप्ट लगेगा, कहीं पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं बनेगी। ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपका पावर चाहे जो रहे है ना, अगर पावर 4 से बड़ा है ना, 4 से बड़ा है, तब आप उसमें क्या करेंगे, 4 से भाग करेंगे। देखिए 4 से भाग करेंगे, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं पावर अपान 4, 4 से भाग करेंगे। अब जो रिमाइंडर आएगा ना, वही जो शेष फल आएगा, यही पावर का काम करेगा, है ना। इसको कुछ एग्जांपल से समझाते हैं। देखिए एग्जांपल से मतलब मैंने लिख दिया 32 के पावर, या मान के 32 के पावर 122 है ना। अब यहाँ से आपसे पूछ लिया गया कि बताइए इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या है। अब देखिए यूनिट डिजिट है तो मतलब काम यूनिट डिजिट पे करना है, तो यहाँ पे 32 नहीं, यहाँ पे खाली आपको 2 देखना है, 2 आपने उठा लिया है ना। अब देखिए ये 122 है, 4 से बड़ा है, अब इसमें 4 से भाग करेंगे। 4 से भाग करने के लिए मैंने पिछले क्लास में बताया लास्ट 2 डिजिट को देखते हैं, तो 2 डिजिट कितना है, 22। 22 में अगर 4 से भाग करेंगे, 22 भागे 4, तो रिमाइंडर आपका आएगा 2, मतलब इसका पावर 2 बनाएगा, ठीक है। तो अब हो जाएगा 2 × 4, इसकी यूनिट डिजिट होगी, आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। देखिए और एग्जांपल के माध्यम समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 343 के पावर 197, आपसे पूछा कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। कुछ नहीं करना है, लास्ट में 3 को उठाइएगा, ठीक है। यहाँ पे 97 है, भाग करेंगे 4 से तो 1 आएगा यूनिट डिजिट, मतलब रिमाइंडर, तो इसका यूनिट डिजिट आ जाएगा 3, है ना। तो ये इस तरीके से कर लेंगे। अब एक कंडीशन ये क्रिएट होती है कि मान के चलिए कभी भी भाग देने पे रिमाइंडर 0 आ जाए, तब क्या करेंगे, जब रिमाइंडर 0 आएगा तब पावर 4 बनाएंगे, है ना। जैसे इसको समझिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिख दिया 28253, है ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया 24, है ना। आपसे पूछ लिया बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, अब 4 से भाग करेंगे कट जाएगा 0 आएगा, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे 3 के पावर 4, है ना। 3 के पावर 4 मतलब 3 × 9 = 81, यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो ये करने का तरीका होगा, आप यहाँ से बड़े आसानी से कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये इसका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट है, यूनिवर्सल मतलब हर प्रकार के क्वेश्चन में लगेगा। चलिए अब जैसे देखिए यूनिवर्सल मैंने बोला था, आपको एक उन सब का भी करके दिखाते हैं। देखिए आपने लिखा था 0156 है ना, तो मैं लिख लेता हूँ मान के चलेगा 121 है ना, 121 के पावर मैंने लिख लिया 252 है ना। अब सॉरी फ्रेंड्स, आपसे पूछा बताओ इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा, आप एक उठाइएगा है ना, 252 को 4 से भाग देंगे कट जाएगा 0 आएगा, 0 का मतलब पावर 4 मानेंगे, 1 का पावर 4, आप 4 बार गुणा कराना, आंसर 1 ही आएगा। आप 5 के साथ भी करके देख सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं आएगी, आपका यूनिट डिजिट जैसे मिल रहा है वैसे ही मिलेगा, ठीक। तो
यूनिट डिजिट के कुछ कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लियर कर लिए। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और कुछ नए कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिए अगला कॉन्सेप्ट दिया है, यदि संख्या में फैक्टोरियल लगाओ, ठीक है, तो लगा हो तो चार फैक्टोरियल से अधिक होने पर इकाई अंक सदैव शून्य होगा। पहले यहाँ पे बात करते हैं फैक्टोरियल क्या होता है ना, फैक्टोरियल को समझना थोड़ा सा जरूरी है। देखिए जो फैक्टोरियल होता है ना, फैक्टोरियल इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है या इसको ऐसे भी इंडिकेट किया जाता है। फैक्टोरियल का मतलब होता है ना कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई करना, मतलब मल्टीप्लीकेशन या फिर गुणा, जो भी आप लिखना चाहें, मल्टीप्लीकेशन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब घटते क्रम में गुणा। जैसे मैंने लिख दिया तीन फैक्टोरियल ना, इसका मतलब ये होगा तीन गुणे दो गुणे एक, जब तक एक तक नहीं पहुंच जाएंगे तब तक गुणा करना है। जैसे मैंने लिख दिया पांच फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है पांच गुणे चार गुणे तीन गुणे दो और गुणे एक, ये हो जाएगा, है ना। तो कभी भी आपके सामने फैक्टोरियल लगाए और फैक्टोरियल चार से ज्यादा होगा तो इकाई अंक आपको हमेशा जीरो मान के चलना है। अच्छा, जीरो मान के चलना क्यों, समझिए, जब चार तक लेंगे, है ना, चार तक लेंगे तब तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें पांच आ जाएगा ना, आपने पीछे कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि पांच का मल्टीप्लीकेशन जब कभी भी इवन नंबर से कराया जाता है तो वहां पे हमेशा कितना आता है, जीरो आता है। और पांच से जब बड़ा रखेंगे तो इसके पीछे चार दो ये सब आएगा ही आएगा, है ना। तो कभी भी चार फैक्टोरियल से बड़ा, मतलब पांच फैक्टोरियल, छह फैक्टोरियल, सात फैक्टोरियल, कुछ भी रहेगा, यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा। ये क्लियर हो चुका है। देखिए जैसे मान लीजिए ऐसे कभी दे देगा 262 फैक्टोरियल, ठीक है, बताओ यूनिट डिजिट कितना है, कुछ नहीं, आंख बंद करके बोलना जीरो, है ना। देखिए इसके अतिरिक्त अब इसमें होता क्या ना, कई बार ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, देखिए तीन का स्क्वायर प्लस पांच क्यूब प्लस नाइन फैक्टोरियल प्लस सेवन फैक्टोरियल माइनस थ्री क्यूब, ठीक है, यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या है। देखिए परेशान नहीं होना है, तीन तरीक का नौ, पाँच पच्चे पच्चीस, एक सौ पच्चीस, मतलब पाँच, है ना। अब इसका तो ये जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो और माइनस तीन तरीक का नौ तरीक सत्ताईस, ठीक है, नौ पाँच चौदह, चौदह में से सात गया सात, इसका यूनिट डिजिट सात आ जाएगा। यहाँ से आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, बाकी अभी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे तो और भी कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। चलिए आते हैं नेक्स्ट अगले स्लाइड पे। देखिए अगला स्लाइड क्या दिया है, अब कभी ना यही फैक्टोरियल पावर में चला जाए, जैसे अभी तक नंबर के साथ था, अगर पावर में चला जाए और चार फैक्टोरियल इससे ज़्यादा रहेगा तो पावर को हमेशा आप चार मानेंगे, ठीक। एग्जांपल देखिए, देखिए जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिखा है 232 के पावर, है ना, अगर चार फैक्टोरियल नहीं है, तीन फैक्टोरियल दो फैक्टोरियल तो आप गुणा कर लेंगे। जैसे यहाँ पे लिख दिया गया उसने, मतलब लिख दिया 222 फैक्टोरियल, है ना, आपसे पूछ लिया इसका यूनिट डिजिट बताओ। अब परेशान नहीं होना है, सीधा सीधा इसको देखो, यूनिट डिजिट यहाँ पे दो है, ठीक है, ये फैक्टोरियल यहाँ पे लगा है ना, चार से बड़ा है तो इसको चार मान लीजिएगा, दो दूना चार, चार चौका दो दुना चार, दुना आठ, दुना सोलह, है ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट छः आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से हो जाएगा। जैसे अब ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, आप देखिए क्वेश्चन कैसे बन जाएगा, ऐसे मिलेगा, मान लीजिए 232 के पावर है 332 का फैक्टोरियल प्लस 921 के पावर है 151 फैक्टोरियल प्लस 526 के पावर है 232 फैक्टोरियल, आपसे पूछेगा बताओ इसका आंसर कितना है। कुछ नहीं करना, देखिए तीन के पावर चार मान लेना प्लस एक के पावर चार मान लीजिएगा और यहाँ पे छः के पावर चार, देखिए एक और छः में तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ये एक प्लस छः ही रहेगा और यहाँ पे तीन तरीक का नौ, नौ इक्यासी, एक आ जाएगा, इसको आप ऐड कर लेंगे, यूनिट डिजिट आठ हो जाएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट आपने और क्लियर कर लिया कि अभी अगर कभी भी फैक्टोरियल चार से ज़्यादा है पावर के संदर्भ में, है ना, अब चार से ज़्यादा है पावर में और उसमें फैक्टोरियल लगा है तो आप उसको हमेशा चार मानेंगे, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, ठीक। चलिए तो यहाँ तक हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ा है। इसके अतिरिक्त देखिए अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, है ना, समझ लेते हैं। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा है, एक से दस, ग्यारह से बीस का वर्ग करके जोड़ने पर इकाई अंक सदैव पाँच प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या, देखिए अगर कभी भी ना आपके सामने ऐसे क्वेश्चन बना, देखिए एक स्क्वायर प्लस दो स्क्वायर प्लस तीन स्क्वायर प्लस डॉट 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 दस स्क्वायर, इसका यूनिट डिजिट हमेशा पाँच आएगा, ठीक। इसी तरीके से ग्यारह स्क्वायर प्लस बारह स्क्वायर प्लस तेरह स्क्वायर प्लस डॉट 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 बीस स्क्वायर, इसका भी यूनिट डिजिट पाँच आएगा। मतलब जो दस दस का पेयर है ना, एक से दस, ग्यारह से बीस, इक्कीस से तीस, इकतीस से चालीस, इकतालीस से पचास, इन सब के वर्गों को अगर जोड़ा जाएगा तो यूनिट डिजिट हमेशा पाँच आएगा। इस पर कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, तो इसको करने का मतलब आप ये भी फार्मूला लगा सकते हैं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, मतलब जो फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन टू एन प्लस वन अपान सिक्स, इसके साथ भी जा सकते हैं, यहाँ से भी मिल जाएगा। बाकी आप ऐसे सेट कर सकते हैं कि यहाँ तक पाँच हो जाएगा, फिर यहाँ तक पाँच हो जाएगा, फिर आगे जो पूछा रहेगा आप उसको कर लेंगे, तो इसमें कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, है ना।
तो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस अगर मिल जाएं कि 1 से 10, 11 से 20 इनके वर्ग मतलब इकाई वर्गों की इकाई अंक वर्गों के योग का इकाई अंक क्या आएगा तो हमेशा 5 आएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है ना। देखिए पहला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट का है तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 1² + 2² + 3² + 4² + ….35 तक गया। आपसे पूछा है कि इसका इकाई अंक बताइए क्या आएगा। देखिए कुछ नहीं करना है, आप इसको बेसिक तरीके से अगर बनाना चाहेंगे तो देखिए 1 से 10 तक जो आएगा इसका इकाई अंक 5 मिलेगा, ठीक। 11 से 20 तक जो आएगा इसका भी इकाई अंक 5 मिलेगा, ठीक। 21 से 30 तक जो आएगा इसका भी इकाई अंक 5 मिलेगा। तो ये आपको लिखना नहीं, ऐसा दिमाग में सोच के चलना है पेपर के दौरान, यहाँ पे मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए अगर 30 तक को आप ध्यान से देखेंगे तो 5 से 15 मतलब यूनिट डिजिट 5 मिल चुका है, 30 तक में 5 मिल चुका है। अब 31 की बात करेंगे, देखिए 1 है तो 1 मिलेगा, 32 में 2 × 4 मिलेगा, 33 में 3 × 3 = 9 मिलेगा, 34 × 4 = 16 मिलेगा और 35 × 5 = 25 मिलेगा, ठीक। देखिए यहाँ पे 4 × 1 = 5 है ना, 5 और 9 = 14, 14 × 26 = 25 है ना, 25 यहाँ से आ गया और 5 पहले से था, 25 और 5 = 30। तो इसका यूनिट डिजिट 30 आएगा, मतलब 30 आंसर आएगा तो यूनिट डिजिट आपका 0 हो जाएगा, है ना। मतलब ये यूनिट डिजिट के बेसिस पे बोला जा रहा है, ठीक। देखिए आप ऐसे नहीं करना चाहते तो आप ये भी फार्मूला लगा सकते थे, 1 से है ना, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योग, है ना, ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा। ये फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एन ब्रैकेट में एन प्लस वन, 2n + 1 दूसरे ब्रैकेट में अपान 6, ये फार्मूला होता है। अब देखिए n का मान कितना है, 35 है, तो 35 × 35 = 36, 35 × 70 = 71, है ना, और बटे में यहाँ पे कितना है 6, है ना। अब देखिए 6 है तो 6 से काट दीजिएगा, 6 से काटेंगे 6 × 6 = 36 बार कट गया, है ना। अब यहाँ पे नीचे कुछ नहीं बचा, अब देखिए यहाँ पे ये 5 है और 5 का मल्टीप्लाई इवन डिजिट के साथ है तो आंसर 0 आ जाएगा, है ना। तो ये करने का तरीका है, आप इसके साथ भी जा सकते हैं, इसके साथ भी जा सकते हैं, जैसा क्वेश्चन रहेगा जैसा सूटेबल बनेगा आपको आप वैसा कर सकते हैं ना। अब अगर यही क्वेश्चन 11 से शुरू कर देता है ना तब आप फंस जाते हैं, तब यहाँ पे ये नियम थोड़ा सा आपको मुश्किल पड़ता है, तो ये नियम आप आसानी से कर लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, मान के चलिए क्वेश्चन मैंने यहाँ से शुरुआत कर दिया, 11² + 12² + …35² है ना, या 34², अब इसको कैसे करेंगे। देखिए 11 से है ना तो 11 से 20 तक का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, है ना। 21 से 30 तक का कितना आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, है ना। अब 34 तक जाना है मतलब 31 का 1, 32 का 2 × 4, 33 का 3 × 3 = 9 और 34 का 4 = 16। देखिए 9 × 6 = 15, है ना, 15 × 5 = 20 और यहाँ पे वापस से आप इसको देख लेंगे, है ना, तो ये भी सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप तैयार रहिएगा ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर, अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन ये पूछा है कि देखिए निम्नलिखित का इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया 20 के पावर 25, है ना, 56 के पावर 31, 31 के पावर 82 और 58 के पावर 26, है ना, इसका यूनिट डिजिट। देखिए 0 है, पावर कुछ भी कर लो कोई फर्क नहीं आएगा, है ना, तो 0 का 0 आ जाएगा। प्लस देखिए 6 है, पावर कुछ भी रहेगा कोई फर्क पड़ना है नहीं पड़ना है, तो पावर आएगा, यूनिट डिजिट आएगा 6 प्लस। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 3 है, है ना, अब आपको 53 नहीं देखना, आपको खाली 3 देखना है, यूनिट डिजिट, है ना। इसका पावर 82 है, आपने पीछे क्या पढ़ा था, जब भी पावर 4 से बड़ा होता है तो 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करेंगे 82 में, देखिए रिमाइंडर आएगा 2, आप कर लीजिएगा, है ना। देखिए देख यहाँ पे 82 हो जाएगा, 4 से भाग करेंगे 20 × 80, यहाँ पे रिमाइंडर 2 आएगा, ठीक। इसके बाद देखिए प्लस 58 मतलब 8 है ना, अब यहाँ पर 4 से इसको भाग करेंगे तो 6 × 24, रिमाइंडर 2 आएगा। देखिए यूनिट डिजिट की बात करेंगे 0 + 6 = 3 × 3 = 9, 8 × 8 = 64, 64 का मतलब 4, है ना। देखिए 6 × 4 = 10, ये तो 0 हो जाएगा, बचा खाली 9, 9 मतलब इसका यूनिट डिजिट 9 आएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया है। देखिए ये क्वेश्चन ना इस बार के UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये इस बार जो UPSC का पेपर हुआ था, है ना, इसमें आया हुआ क्वेश्चन है कि 5, 7, 2, 4, 2, है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। अब देखिए ये नंबर मल्टीप्लाई किया है, कोई फर्क नहीं मल्टीप्लाई करे या ना करे, आपको क्या एक नियम पता है कि जब कभी भी 4 से बड़ा होता है तो अब हमेशा क्या करते हैं, भाग करते हैं। देखिए 4 से 9 में भाग करेंगे, इसका यूनिट डिजिट आएगा, सॉरी भाग करने पर रिमाइंडर आएगा 1, है ना, गुड़े 7 में भाग करेंगे रिमाइंडर आएगा 3, ठीक। यहाँ पे देखिए 5 में भाग करेंगे फिर से रिमाइंडर आएगा 1, है ना,
तीन में भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा वापस से तीन, और एक में करेंगे तो एक ही आएगा। देखिए तीन तरीका नौ हो गया है ना। अब ये ना अभी माइनस में भी रिमाइंडर जा सकता है, उसको हम आगे सिखाएंगे। अभी रिमाइंडर थ्योरम मैंने नहीं पढ़ा है तो इसलिए मैं बेसिक से कर रहा हूँ। देखिए तीन तरीका नौ हो जाएगा। देखिए दो उठाएंगे, नौ को वापस से जब चार से भाग करेंगे तो रिमाइंडर आएगा एक, मतलब यहाँ पे दो के पावर एक, मतलब आंसर दो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। देख लीजिए ये यूपीएससी के सी सेट में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर है, ये भी ना यूपीएससी के सी सेट में आए हुए क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एक्स वाई जेड की किन मानों की किसी भी चयन के लिए एक्स वाई जेड के रूप में छह अंकों की संख्या किससे विभाजित होगी। देखिए मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था है ना, क्लास नंबर तीन में, कि जो डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट होता है इसमें जब कभी भी कोई संख्या तीन अंकों की संख्या, जैसे ए बी सी का मल्टीप्लीकेशन अगर 1001 से हम करेंगे तो ये ए बी सी एबीसी के फॉर्मेट में आ जाएगा है ना। और ये जो 1001 है ये 7 11 और 13 का मल्टीप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये संख्या 7 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा, 13 से भी कट जाएगा। तो ऑप्शन ए नहीं, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पे तीन डिजिट का दिया था, अगर कभी दो डिजिट के बारे में पूछ ले कि ए बी किससे कटेगा तो ये हमेशा 101 का मल्टीप्लीकेशन होता है। इसका मतलब क्या होता है, देखिए ए बी गुड़े 101 अगर आप करेंगे तो ये हमेशा बन जाएगा ए बी ए बी। तो इसको भी आप याद रखिएगा, अगर कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। चलिए और आगे आते हैं। देखिए अच्छा ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। तो देखिए आज की इस क्लास में हम लोगों ने यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट को पूरा पढ़ लिया है ना। तो चलिए इस प्रकार के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। ठीक, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चन, नए कॉन्सेप्ट और नए लॉजिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा।